आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, मैं किताब में भूमिका पढ़ रहा था, फिर ये गजेंद्र सिंह हमारे सिनेमा एडिटर, उन्होंने रिसर्च की, लुधियाना में अंग्रेजी फिल्में देखने जाते थे आप? हाँ जी, दरअसल मेरे फादर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, फिर प्रिंसिपल रिटायर हुए, लेकिन मुझे सौभाग्य उनसे जो प्राप्त हुआ, जिसमें शायद स्टोरी टेलिंग का एक सेंस, उनके साथ जब मैं सात आठ बरस का था तो छोटा सा हमारा किचन होता था जहाँ मेरी माँ भजिए बनाती थी, पकौड़े, और हम नीचे ज़मीन पे बैठ जाते, कंबल बिछा के, जी कंबल बिछा के, नाइस डिटेल यू रिमेंबर, तो बिछा के बैठ जाते थे, और मेरे फादर जो हैं वो शेक्सपियर, शर्लक होम्स, किंग आर्थर, लैंसलॉट, सर लैंसलॉट, फादर ब्राउन, और कई लिटरेचर की किताबें, उसकी कहानियाँ और उसका चलन जो है हमें पंजाबी में बताया करते थे, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी बोलनी पढ़नी आती नहीं थी तब तक, शेक्सपियर पंजाबी में, जी जी, वो हमें उसकी कहानी बताया करते थे कि कैसे, और कुछ अंग्रेजी की लाइनें याद भी कराया करते थे कि भाई ये कोटेशन है अंग्रेजी में, इसको शेक्सपियर का है, बड़ा मशहूर है, इसको याद कीजिए, जैसे कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, या रोमियो जूलियट से, इफ आई प्रोफेन माय अनवर्दी स्टैंड दिस होली श्राइन द जेंटल फाइन इज दिस माय लिप्स टू ब्लशिंग पिलग्रिम्स स्टैंड एंड वेट टू स्मूथ दिस रफ टच विद अ टेंडर किस, तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं जो कुछ भी पिछले 40 साल में कर पाया हूँ उसमें, और लेखनी में ख़ास तौर पर। एक चीज़ मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, जितनी भी पंकज कपूर ने इजाज़त दी अपनी ज़िंदगी से गुजरने की उसमें, कि कई बार पिताजी अपने मन से कहानियाँ सुनाया करते थे और वो कई कई रोज़ तक खिंचा करती थी। जी जी, शायद स्टोरी टेलिंग का सेंस वहीं से पैदा हुआ, वो पूछा करते थे कि भाई इसको और लंबी करूँ, और हम बच्चे थे तो हम कहते थे हाँ और लंबी कीजिए, तो कई कई कहानियाँ दो दो ढाई ढाई महीने चलती थी, और मुझे लगता है वहाँ से एक सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या होता, मतलब अगर वो तवज्जो देते एज अ राइटर तो शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स होते, वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में लिखते थे, अंग्रेज़ी में ज़्यादा क्योंकि अंग्रेज़ी पे उनकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त थी, तो और टीचर भी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री थे मेरे विचार में। अब एक टीचर से दूसरे टीचर पर चलते हैं, आपको NSD लेकर चलते हैं, जहाँ से ज़िंदगी ने एक बड़ी करवट ली, जी करीब ही है, जी रंजीत कपूर के साथ आपने बहुत प्ले किए हैं। जी हाँ, दो तीन प्लेज उनके साथ किए हैं मैंने, मैं वो लिस्ट फेरिस देख रहा था। जी क्या है उनकी याद, NSD के क्या दिन थे, इंटरव्यू वाला दिन तो बहुत बहुत ही ज़्यादा याद रहता होगा। अब वो तो खैर याद रहता ही है, मगर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसकी शुरुआत भी मेरे पिता की वजह से हुई, क्योंकि जब मैंने अपने पिता से कहा कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने पहली बात मुझसे ये कही कि बेटा अपने आप को इसमें एजुकेट करो, तालीम हासिल करो, तो उन्होंने ही मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता किया, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हुआ, और वहाँ पे अलकाजी साहब जैसे टीचर के साथ और जो उस वक्त का स्टाफ था उनके साथ, उनकी सोहबत में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और चूँकि मेरी उम्र सिर्फ 19 बरस की थी तो बड़ा इम्प्रेशनेबल एज थी, तो जो कुछ भी सीखा उस वक़्त काफ़ी गहरे समा गया मेरे अंदर। ऐसा नहीं होता था आपके ज़माने में, जैसे हम अगर अपने पापा से कहें पापा फिल्मों में जाना है या एक्टिंग करनी है, तो पहले तो चार तमाचे पढ़ते हैं जी, और फिर बहुत होगा जाता कि मिडिल क्लास के हो, कुछ बढ़िया डॉक्टरी इंजीनियरिंग करो, हमें तो फिल्में तक नहीं देखने दी जाती थी, गणित के रजिस्टर में लिखते थे कि बड़े होके देखेंगे। जी जी, वहीं मेरे फादर साहब जो थे वो मुख्तलिफ थे, पहले आपने सवाल किया था अंग्रेज़ी फिल्मों का, तो मैंने अंग्रेज़ी बोलने की जब ख्वाहिश जाहिर की थी उनसे, तो उन्होंने कहा बेटा अंग्रेज़ी फिल्में देखनी शुरू करो, उससे थोड़ा थोड़ा तुम्हें अंग्रेज़ी का पता चलेगा, लोग आपस में बातचीत कैसे करते हैं, कान तुम्हारे उस ज़बान की तरफ जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो बहुत ही एक्सेप्शनल आदमी थे, बहुत, क्योंकि ख़ुद एजुकेशन में थे, तो उन्होंने, बल्कि मेरी माँ रोने लगी कि भाई ये तो लड़का जो है कह रहा है मैं एक्टर बनूँगा, और मेरे पिता जो थे उन्होंने कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि 18 साल की उम्र में मेरे बेटे ने ये तय कर लिया कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि बेटा ये तय करो पहले कि तुम्हारे अंदर वाकई टैलेंट है या ग्लैमर है फिल्मों का, क्योंकि उस वक्त तो हमारे जहन में सिर्फ फिल्में थी, कि पहले ये पता कर लो। तो मेरे दिमाग में जब भी किसी इंटरव्यू के लिए मैं गया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती थी भगवान से रिक्वेस्ट कि भाई मेरे, मुझे ऑडिशन में पास कर देना। ऑडिशन में पास हो जाने का मतलब है कि आपको अभिनय थोड़ा बहुत आता है, स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाने का मतलब है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है या आप उन लोगों को पसंद नहीं आए,
तो फॉर्चुनेटली ऑडिशन में मैं सब जगह पास हो गया, स्कूल और ड्रामा में भी, और इस तरह से मेरा एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ।